मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव गरनाला में पहुंची, जहां लोगों को घर के द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। सरकार की इन कोशिशों के बाद हरियाणा की जनता कह रही है, थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी, थैंक यू सीएम मनोहर लाल। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव गरनाला में पहुंची, जिसमें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर गांव वासियों ने गृह मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। हरियाणा की गृह मंत्री ने यहां पर लोगों को सम्मानित भी किया, साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे सभी विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गाँव गरनाला में पहुँची। इस यात्रा में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मोदी जी का विजन है कि अपनी योजनाओं को हर आदमी तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की है, जो हर गांव में जाएगी। हरियाणा के भी 6200 गांव में जाएगी, सभी वार्डों में जाएगी। जो जो योजनाएं लागू की हुई हैं, अगर उसके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके तुरंत मौके पर ही अब आयुष्मान भारत कार्ड मौके पर ही बना के दिए जा रहे हैं, आधार कार्ड मौके पर ही बना कर दिए जा रहे हैं, और भी जो जो योजनाएं हैं जिस जिसका रह गया है उन सारों के मौके पर ही बना कर दिए जा रहे हैं। गृह मंत्री के यहां पहुंचने पर गांव वासियों ने गृह मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। गृह मंत्री ने मंच से अपने संबोधन में विकसित भारत यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा, ये तो मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। ये जैसे हमारी बचत इकट्ठा हो रही है, उससे ही महिलाओं को जो लाभ हो रहा है, और मंथली जो उसमें कुछ भी जो लेन देन है वही कर रहे हैं, और उससे जैसे किसी को जरूरत हो तो उसमें से निकलवा के ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अच्छा है ये, इसके उससे भी बहुत फायदा हो रहा है। धन्यवाद उनका जो ये स्कीम चलाई उन्होंने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत ये हमारे समूह बने हैं सर, और इनसे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम बचत इकट्ठी करते हैं, हमें बचत भी हो रही है और हमें काम भी मिलता है। जैसे हम उससे पैसे लेके हम जैसे फुलकारियाँ और बैग दरियाँ वो बनाते हैं, जो जैसे लेडीज़ कोई बनवाती है तो उनको देते हैं, आगे सेल भी करते हैं सर। और इससे हमारी लेडीज़ आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो कभी गाँव घर से बाहर नहीं निकली। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, जो हर गांव में जाएगी। जो जो योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उनके कुछ पात्र रह गए हैं और उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्हें मौके पर ही उनके काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ये मोदी जी का विजन है जिसको कोई और नहीं सोच सकता। ये पहली बार हो रहा है और ये केवल मोदी जी ही सोच सकते हैं, इसके बारे में कोई और नहीं सोच सकता है। सरकार की योजनाओं का लोगों तक फायदा पहुंचे, लोग उसका जमकर फायदा भी उठा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना खुद का कारोबार कर रही हैं। महिलाएं इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।